मैं अपने पूरे कार्य को, पूरे पुरुषार्थ को, पूरे संस्थागत और संगठनगत अनुष्ठान को, इस पूरे संकल्प को एक शब्द में बोलूं तो मैं बस सबको एक सद्विचार, सात्विक विचार देने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है ये विचार एक दिन निश्चित फलीभूत होगा। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। देखो, विचार का ही सारा संसार है। देख, हम किसान बनते हैं तो हमें क्या बनाता है? हमारा विचार ही हमें क्या बनाता है? किसान। हमें विचार हमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आतंकवादी, राष्ट्रवादी, ईमानदार, बेईमान, सदाचारी, दुराचारी, हमें सच्चा या झूठा क्या बनाता? हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो किसके आधार पर बोलते हैं? अपने विचार के आधार पर। हम शाकाहारी या मांसाहारी तो किस आधार पर हैं? विचार के। हम सदाचारी या दुराचारी तो किसके आधार पर हैं? विचार के आधार पर। विचार का ही सारा संसार है। मैं साधु बना तो किसने बनाया मुझे साधु? विचार ने बनाया। आप में से भी किसी की साधु बनने की इच्छा हो रही है तो? वैसे मुझे देख के तो बहुतों की इच्छा हो जाती है, और बाबा जी आप जैसे हम भी साधु बन जाएं तो कितना आनंद आए जीवन का। तो आजा भैया, आजा, यहाँ तो पूरा चारों तरफ से दरवाजे खुले हुए, आ जाओ। आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, चारों ओर से आह्वान कर रहा हूं, आओ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकार। रगों में तेरे बह रहा है खौन राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खौन राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपोत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपोत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ऐसे गाना आता आपको भी? ऐसे गाना भी सीखा करो और साथ साथ गाया भी करो। हाँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लाली माँ, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, संकटों को तारती, देश है पुकार। चारों ओर बड़ा अंधेरा है, है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय माँ त्रिभुवनि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय। तैसे राष्ट्र वंदना के स्वर जब गाते हैं ना, तब बातों के भीतर से ऐसे बलबले उठते हैं, बाबा जी सब तो हमें ये लगता है ये जीवन तो बस भगवान के लिए दे दें, ये जीवन तो गुरु के लिए दे दें, ये जीवन तो देश धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दें, ये जीवन तो सेवा के लिए अर्पित कर दें। लेकिन बोले बाबा जी पता नहीं थोड़ी देर के बाद में वो फ्रिक्वेंसी कहीं और उड़, स्टेशन कहीं और लग जाता है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी किसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए? गुरु के साथ, भगवान के साथ, सेवा के साथ, सात्विकता के साथ। इसके लिए बोलता हूँ मैं हमेशा, किस में जीना है? उच्च चेतना में। किस में जीना है बोलो? इसी को दिव्य चेतना कहते हैं। क्या बोलते हैं?
इसी को भागवत चेतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को आत्मचेतना भी क्या बोलते हैं? आत्मचेतना, स्वचेतना। इस उच्च चेतना में, इस दिव्य चेतना में, इस भागवत चेतना में, आत्म चेतना में, स्वचेतना में, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। बोलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने सब प्रकार की हमें पूर्णता दी है, तो जब तुम्हें कोई अधूरापन नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, तो क्यों पगलों की तरह घूम रहे हो? अपने भीतर की पूर्णता को जगाओ और बाहर और भीतर से सब प्रकार की समृद्धि भी पाओ और समाधि भी पाओ, दोनों पाओ। ये तो अभ्युदयनि श्रेयसः सिद्धि साधर्म, ये है धर्म और अध्यात्म। अब कुछ समझ में आया? बोले बाबा हाँ, एलोवेरा तो लगाया, ये तो समझ में आया, आंवला भी समझ में आया, गिलोही तुलसी भी, अकरकरा भी, शतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये तो समझ में आया। ये तो बाहर के बीज हैं, एक बीज लगाने से अनंत बीज पैदा होते हैं। अपने भीतर अच्छे विचारों का बीज बोले, बुरे विचारों की भी अनंत संतति है, अनंत विस्तार है, और अच्छे विचारों का भी अनंत विस्तार होता है। बस अच्छे विचारों के बीज बोले, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो, सत्कर्म करके जीवन में पुण्यों का बीज बोलो। देखो आज का जो सत्र है, मैं इसी के साथ इसको पूर्णता की ओर आगे बढ़ा रहा हूं कि आपको पूर्ण विवेकशील बनना है। क्या बनना है बोलो? पूर्ण विवेकशील, आपको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बहुत भ्रांतियां हैं। वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बहुत तरह की भ्रांतियां आपके भीतर आती हैं और आप ऐसे पागलों की तरह फिर आचरण करते रहते हो। तो हमारे भीतर तत्व ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? तत्व ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, इससे जीवन में बहुत अंधेरा छा जाता है। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो भगवान को धन्यवाद किया करो कि भगवान ने हमें इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत दे दी, और वो इंसान भी बना करके हमको भारत भूमि पर भगवान ने जन्म दे दिया, तो हमारे अनंत जन्मों के सौभाग्य का उदय हो गया। ऐसा भाव रहना चाहिए। कभी भी भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं। किस बात का गिला शिकवा भाई? हाँ, एक बात, हमारे भीतर मस्तिष्क में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए और हृदय में मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ, और हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, बहुत प्रकार की दिव्यता होनी चाहिए। हाँ, अब कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, तुम भी ऐसे बहुत रोते थे और अभी भी कौन से संभल गए हो। हाँ, अब अंदर अंदर से रोते रहते हो, आँखों में आंसू भी सूख गए हैं तुम्हारे। सुनो, हमारा मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित हो, हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सब में एक ही सच्चिदानंद परमात्मा, इसी को बोलते हैं विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम्। सअस्तित्व हम सब मिलकर के जिए, एकत्व, एक सच्चिदानंद, एक परमात्मा, एक आत्मा का, एक ही जैसे प्रकृति के पंच तत्व, एक ही जैसी आत्मा, एक ही जैसा परमात्मा, सबके भीतर यही एकत्व है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत विजानत तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। ऐसा प्रेम, हमने एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत करने लगते, सामान्य लोगों से लेकर के मैंने विद्वानों तक देखा, दर्शन तो समझ में आ जाता है, सिद्धांत तो समझ में आ जाता है, सनलोक कार्यकर्ता भाई बहनों सब, ये बात तो आपको समझ में आ जाती है कि सबके भीतर एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है, एक ही प्रकृति के तत्वों से सब बने हैं और एक ही आत्मा सबके भीतर है, काहे का किससे बैर करना। लेकिन परस्पर व्यवहार में सारी बातें जाकर के व्यवहार में, आचरण में पूरी होती हैं। जब आचरण करते हैं,
घर में, परिवार में, संस्था में, संसार में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ईर्ष्याबोध करते हैं। मनुष्य किसका सबसे बड़ा जो स्वभाव का दोष है वो क्या है? ईर्ष्या, द्वेष। फिर व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य। सार्वजनिक जीवन में से द्वेष निकल जाए और व्यक्तिगत जीवन में से आलस्य प्रमाद निकल जाए तो व्यक्ति धरती का भगवान हो जाता है। आज संकल्प कर लो, मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में आलस्य को, प्रमाद को कोई स्थान नहीं देना, और सार्वजनिक जीवन में मुझे राग द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, किसी से बैर नहीं रखना। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इसके लिए हम साधु संतों को भी कितना प्रयास करना पड़ता है एक दूसरे से द्वेष, और वो द्वेष ज़्यादा जब प्रबल हो जाता है तो झगड़ा, फिर वो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है द्वेष तो हिंसा, फिर और ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो युद्ध, आतंकवाद, ये सभी तो है। ऐसे इन कौन इन बेवकूफ़ों को समझाए जो इस्लाम के नाम पर चारों तरफ दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। अरे वो खुदा जिसको तुम परमात्मा, खुदा, अल्लाह कहते हो, ऑलमाइटी गॉड कहते हो, भगवान कहते हो, तो सबके अंदर एक ही है। ये प्रकृति के सब तत्व एक ही है, एक ही जैसी सोल, रूह, आत्मा सब में एक ही जैसी है, तो फिर तुम ये कत्ले आम क्यों मचा रहे हो? और मुझे विश्वास है मैं 25-50 साल तक पुरुषार्थ करूंगा और ऐसे लाखों करोड़ों आत्माओं को तैयार करूंगा जो अपना ही स्वरूप इस सारी जगति में देखेंगे, तो इस धरती पर एक दिन स्वर्ग का अवतरण जरूर हो। इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः, चारों ओर से अंधेरा छटेगा और सबके भीतर आर्यत्व, दिव्यता पैदा होगी। इन मजहबों के नाम पर नफरत फैली पड़ी है, पंथों के नाम पर लोग कुपथ पर चल रहे हैं, कुबद कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है देख करके। देखो आज से एक बात गांठ बांध लो, मुझे व्यक्तिगत जीवन में आलस्य, प्रमाद को, किसी भी अशुभ को अपने भीतर स्थान नहीं देना है, और सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, संगठन के जीवन में मुझे एक दूसरे से क्या नहीं करना है बोलो? ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, हिंसा, ये कितने रूप हैं इसके। हम दिन भर क्या करते हैं? अपनों से राग, उनके लिए तो पूरी जिंदगी दांव पर लगा देंगे, जो अपने हैं उनके लिए तो दिन भर खींचते रहते हैं इधर उधर से धन दौलत, और जो अपने उनकी जेब में डालते रहते हैं। विवेकपूर्वक जीवन को जीना है, हिसाब किताब तो होता है, श्रम का मूल्यांकन भी होता है, व्यापार व्यवहार भी चलता है, लेकिन द्वेष भाव नहीं उसमें होना चाहिए, किसी को लूटने का भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा तो कतई नहीं होनी चाहिए, मन में भी विचार नहीं आना चाहिए किसी को गिराने का। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है हम इतने ऊँचे उठें कि चारों तरफ दिव्यता छा जाए और सारा अशुभ उस शुभ के नीचे ढक जाए, शुभ का विजय हो, सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते नानृतम। तो आज से संकल्प कर लो ये दो बातों के लिए। खैर, तो ज्ञान से प्रकाशित हो हमारा मस्तिष्क, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, विश्वास, निष्ठा से, समर्पण से भरा हुआ हमारा हृदय, और पुरुषार्थ से भरी हुआ हमारी भुजा। ये तीन ही तो चीजें जीवन में, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, यही तो है। ऐसा जीवन हो जाएगा तो यही है दिव्य जीवन की प्राप्ति और सारे दुख की समाप्ति, विकारों की समाप्ति। बस इतना ही ज्ञान है, सारा दुख इन्हीं चीजों से। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो दुख होगा, दरिद्रता होगी, अभाव होगा जीवन में। इसलिए तीन चीजें पैदा करो अपने भीतर, अखंड ज्ञान। अब दूसरी तरह से कह रहा हूं, बोलिए, अखंड श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण किसके प्रति? भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, सेवा के प्रति। एक बार निष्ठा प्रतिष्ठित हो गई, अरे किसी मूर्ति में भी लोग भावना करके एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और हजारों साल तक वो मूर्ति पूजती रहती है। जब मूर्ति में भी एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है
तो क्या एक बार आप तो जीते जागते धरती के भगवान हो, आप में एक बार निष्ठा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? निष्ठा की प्रतिष्ठा हो जाए और सब में हो जाए अखंड निष्ठा। क्या बोला? बोलो। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस तीन शब्दों में बोलो तो अखंड ज्ञान, अखंड निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण एक ही बात है, और अखंड कर्म पुरुषार्थ। अखंड के साथ प्रचंड हम इसलिए जोड़ देते हैं कि निरंतर निरंतर होता रहे, है ना। चरैवेति चरैवेति चरणवयी मधुविन्दति इन्द्रहि चरत सखा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उठो जागो, तब तक अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य मंजिल मिल नहीं जाती है। चरैवेति चरैवेति चरणवयी मधुविन्दति इन्द्रहि चरत सखा कलिशयानो भवति कृतं संपद्यते चरण। सोने का नाम कलयुग है, बैठने का नाम द्वापर, चलने का नाम सतयुग है। कृतम संपद्यते चरण। तो सुनो, आपको सतयुगी आत्मा बनना है, आपको सात्विक आत्मा बनना है, योगी आत्मा बनना है, पुरुषार्थी आत्मा बनना है, कर्मशील आत्मा बनना है, दिव्य आत्मा के रूप में इस धरती पर आपको विचरण करना है। तो क्या करना है? अखंड ज्ञान, अखंड निष्ठा, अखंड पुरुषार्थ। वह शक्ति हमें दो दयानिधे करे तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे करे तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल बना जाए निज आन मान मर्यादा का। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। तुम्हारी आन बान मर्यादा क्या? मैं ईश्वर की, खुदा अल्लाह भगवान की, परमात्मा की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हो, उनकी मर्यादा याद रहे। निज आन मान मर्यादा का। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देश में हमने जन्म लिया। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। बलिदान उसी पर हो जाए छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। अन्याय से निश दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे करे तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए भारत माता की।
आप ऐसे तो काफी तो जवान ही दिखाई दे रहे हैं, लगता है शायद योग करके सब बुजुर्ग भी जवान हो गए। आप में ऐसे अंडर 40 40 से कम उम्र वाले कितने हैं? ओ नीचे कर लो, ये तो इसका मतलब दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है, है? आप भी बहुत जवान हैं। और जवान आदमी तो आगे बढ़ता जाता, वो तो परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं। स्वामी सिद्धानंद जी कहते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, बिना किसी बात की परवाह के अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन देखना ये सारा जमाना आपके कदमों के पीछे चलेगा और सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। सफलता के लिए कुछ मत करना, समृद्धि के लिए कुछ मत करना, सम्मान के लिए कुछ मत करना। ये सफलता समृद्धि सम्मान ये तो बायो प्रोडक्ट है। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवान सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे अहम इंद्रोन पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ कर्म और बाएं हाथ में विजय सफलता है। ये वेद का उद्घोष है, यही हमारे पुरखों की पावनी परंपरा रही है। तो आपको भी इसी संकल्प के साथ जीना है। और जो आज आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, अब ये फ्रीक्वेंसी ये चैनल चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी समस्या है, मैं तुम्हारा चैनल ठीक करके अच्छे वाला चलाना चाहता हूं, फिर तुम तामसी को राजसिक चैनल पे सेट कर लेते हो अपनी फ्रीक्वेंसी। नहीं भाई गलत बात, तो हमारा चैनल है गुरु भगवान शास्त्र सत्य धर्म न्याय। ये जो इस्लाम में लोग उल्टी सीधी व्याख्याएं कर रहे हैं ना कुछ लोग, और ये तमाम तरह की जो हिंसा आदि की बात कर रहे हैं वो क्यों हो रही है, वो पाक और नापाक को समझ ही नहीं पा रहे हैं। नापाक माने जो चीज़ अधर्म है, सभी जगह शब्दों का अंतर है। कोई लोग हिंदू धर्म में भी यदि हिंदुत्व को, आर्य धर्म में आर्यत्व को, बौद्ध धर्म में बुद्धत्व को, जैन धर्म में आत्मा की दिव्यता को, यदि सिख धर्म में कोई सेवा और सिमरन को, संघर्ष को नहीं समझ पाए तो फिर उल्टी उल्टी व्याख्याएं करता है। अपनी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ मत करना। और आज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट की है, अपनी किताब के पहले पन्ने पर, अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिख लो, सदा उच्च चेतना में जीना है। किस में जीना है? एक बार भी नीचे नहीं आना, एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आना। उच्च चेतना, इसी को बोलते हैं दिव्य चेतना, भागवत चेतना। ये शब्द का भेद है, जिस तरह से तुम्हें सत्य समझ में आता हो। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, क्या बोला जोर से बोलो, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। एक ही सत्य को संत शास्त्र बड़े बुजुर्ग महापुरुष अनेक रूपों में कहते हैं, बाइबल में, कुरान में, गीता में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने उस सत्य को अनेक रूपों में कहा है। तो किस में जीना? जोर से बोलो,
इसी उच्च चेतना को बोलते हैं दिव्य चेतना। क्या बोलते हैं? इसी दिव्य चेतना को बोलते हैं भागवत चेतना। क्या बोलते हैं? इतने शब्द तो लिख लो, मैंने तो शब्द शास्त्र पढ़ा है 5 साल तक, तुम 5 दिन में इतना तो सीख के जाओ, तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आए। तो एक बात समझ लो, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों, और पूर्वज भी समझ में ना आए तो तुम सोच लेना तुम्हारा जीवन कैसा हो बाबा रामदेव जैसा हो। अरे मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं ना, मैं तो समझ में आ रहा हूं ना, तो बस। और जीवन बाबा रामदेव जैसा हो, दाढ़ी मूछ नहीं। माता बहनों की तो दाढ़ी मूछ होती ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी मेरी जैसी नहीं हो सकती, इनको दाढ़ी मूछ लगाने पड़ेंगे। हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान हैं, हैं किसी को कम ज्यादा आ रही है, किसी की सफेद काली है, ये तो आवरण है। जीवन का संबंध तो ज्ञान से है, निष्ठा से है, आचरण से, पुरुषार्थ से, वो जीवन होता है ना। तो आपको किस में जीना है? उच्च चेतना में। उच्च चेतना को क्या बोलते हैं? दिव्य चेतना, भागवत चेतना, आत्म चेतना, स्वचेतना, गुरु चेतना। हर समय बस गुरु के साथ एकाकार हो करके। गुरु का पहला रूप क्या है? आचार्यो मृत्युहु वरुणः सोम औषधयः पयः जीमोतासन सत्वानः तैरिदम सुराभृतम। आचार्य का पहला रूप मृत्यु, तो मैं हूं तुम्हारे लिए मृत्यु। क्या हूं तुम्हारे लिए? तो आज से तुम अपनी मौत समझना, अपनी बीमारियों को, अपनी बुराइयों को, अपने अंधेरे को, अपने अज्ञान को, अपने आलस्य को, अपने अंधेरे को, अपने अहम को, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया और गुरु के साथ एकाकार हो गए। सब मेरे साथ बोलिए, मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मन जुषस्व बृहस्पति तानि युनक्त मह्यम। गुरु शिष्य जब एकाकार होकर के जीते हैं तो अध्यात्म आगे बढ़ता है। पति पत्नी, माँ बाप और बेटा बेटी एक साथ आगे बढ़ते हैं तो परिवार आगे बढ़ता है। और जब देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य, अलग अलग जो वर्ग जो बन गए, वो सब एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। हमको एकत्व में जीना है, एकत्व में जीना है।